हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो जी 32वां मुकाबला है वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप अब जो है आखिरी स्टेज पर चल रहा है, मतलब कि सेमीफाइनल से पहले जो है कुछ ही मुकाबले होने बाकी हैं और तकरीबन पिक्चर कुछ साफ होती हमें नजर आ रही है। इंडियन टीम हमारी जो है वो वर्ल्ड कप से 99% जो है वो बाहर हो चुकी है। देखते हैं कि कोई कुछ करिश्मा अगर होता है तो इंडियन टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ये करिश्मा बहुत ही नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन बात करें 32वें मुकाबले की, तो स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच खेला जाने वाला है 3 नवंबर को 3:30 बजे। तो हम किस तरीके से बनाएं स्ट्रेटेजी, किस तरीके से बनाएं विनिंग सेटअप, मैं आपको बताऊंगा और रिकमेंड भी करूंगा 5 जो मैंने आपको आपके लिए मैंने बेट्स निकाली हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के साथ, चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जो होता है हमारा पावर प्ले का सेगमेंट। जी हाँ, तो इस मुकाबले में मैंने बैक करा है कि न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी बड़ी टीम है एज फार एज स्कॉटलैंड इज कंसर्न, बिकॉज हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो फॉर्म में आ रही है। इंडिया को किस तरीके से इन्होंने हराया है, तो ये जो ओपनिंग स्टैंड होता है गप्टिल और मिचेल का, मुझे लग रहा है ये अच्छा खेलेंगे और इनके रहने वाली है हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप 1.44 ऑड्स पर। इंटू टू का स्ट्रेक है और 888 का मुझे इस पर मिल जाएगा टोटल मुनाफा। तो आप बने रहे कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप। तो आइए चलते हैं सेकंड सेगमेंट, मिड डे ओवर्स का सेगमेंट। जी हाँ, तो इस मुकाबले में मैंने बैक कराया कि विलियमसन की रहने वाली है प्लेयर परफॉर्मेंस 33+ की 1.83 ऑड्स पर। सामने है स्कॉटलैंड, तो डेफिनेटली विलियमसन खेलेंगे एक बड़ी पारी और इंटू टू का स्ट्रेक लगा दिया। एक कैच पकड़ लेंगे तो 10 पॉइंट है, एक विकेट लेने गेंदबाजी करेंगे तो 20 पॉइंट है, एक रन मारेंगे बल्ले के साथ तो 1 पॉइंट है। तो इंटू टू का स्ट्रेक लगाने के बाद 1666 का मुझे इस पर मिल रहा है टोटल मुनाफा। तो आप बने रहें केन विलियमसन के साथ। तो वीडियो को पढ़ाते आगे चलते हैं अब हम थर्ड सेगमेंट स्लॉग ओवर्स का सेगमेंट। जी हाँ, तो इस मुकाबले में मैंने बैक कर दिया कि लीस्क जो स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर हैं नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्के बहुत ज़बरदस्त मार रहे हैं ये और विकेट भी लेते हैं। तो एक विकेट लेते हैं तो 20 पॉइंट है, कैच पकड़ेंगे 10 पॉइंट, एक रन मारेंगे तो 1 पॉइंट है। तो 2.25 ऑड्स हैं, बहुत ही शानदार ऑड्स हैं, 2100 आराम से क्रॉस कर जाने चाहिए एज फार एज लीस्क करंट फॉर्म इज कंसर्न, यू कैन बैट लीस्क। तो इंटू टू का स्टेक है और पूरे 2500 रुपए का इस पर मुझे मिल रहा है टोटल मुनाफा। तो आप बैक करें लीस को। तो आई चलते हैं नंबर 4 सेगमेंट, बुल्स आई सेगमेंट। जी हाँ, तो इसमें मैं ऐसी बैट रिकमेंड करता हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल साबित होगी, मतलब बहुत ही एनालाइज करके मैं ऐसी सेफ बैट आपको देता हूँ। तो ट्रेंड बोल्ट जो है वो 2 विकेट लेने में कामयाब अगर हो गए तो ये अपनी कट जाएंगे प्लेयर परफॉर्मेंस को बैक 40+ की, और अगर कैच पकड़ लें तो 10 पॉइंट हैं और एक रन मारेंगे बल्ले के साथ तो 1 पॉइंट है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इनका 40 तो आराम से हो जाना चाहिए क्योंकि सामने स्कॉटलैंड, शुरुआत में 1 विकेट ले लें और आखिरी के ओवर में आके 1 विकेट ले लें 2 विकेट हो जाएंगे 40 पॉइंट होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बैट रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बोल्ट को बैक करें कि वो आराम से 40+ क्रॉस कर जाने चाहिए, 1.454 का आपको मिल जाएगा इस पर टोटल प्रॉफिट इंटू टू का स्टेक लगाने के बाद। तो आइए चलते हैं अब हम लास्ट सेगमेंट। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है जी, न्यूजीलैंड ये मुकाबला डेफिनेटली जीतने वाली है, स्कॉटलैंड मुझे नहीं लगता कोई अपसेट करेगी और बहुत ही छोटी टीम है अगर बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड एक बहुत ही बड़ी टीम है। तो जी न्यूजीलैंड को बैक कर दिया, 1.062 ऑड्स हैं, मैंने ऐसे ही लगा दिया इस स्टेक क्योंकि मेरी पॉकेट बहुत लार्ज है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पॉकेट लार्ज चाहिए तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि इंटू 5 का स्टेक लगाने के बाद आपको केवल और केवल 312 रुपये के आसपास का मिलेगा टोटल मुनाफा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन मुझे बताना होता है कि मैच विनर कौन है, तो इसलिए अब फाइनल नेल इन द कॉफिन का जो सेगमेंट होता है तो इसमें मैं आपको मैच विनर की प्रेडिक्शन देता हूँ। तो 5 टिप्स मैंने आपको जो रिकमेंड करी है ये आपको मिल जाएंगी Bet365 की वेबसाइट, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, जाइए और जो पहली बार आएंगे उन्हें मिलेगा वेलकम बोनस भी। तो इंतज़ार मत करिए, जल्दी से जाइए और खेलना शुरू करिए Bet365 की वेबसाइट पर। वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है लेकिन मैच का सिलसिला चलता रहेगा और ये चैनल है क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दें, आप थोड़ा सा प्यार और दिखाते हैं तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेकर आने वाला हूं और दिसंबर के महीने में तो बिग बैश भी शुरू होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है जी थोड़ा सा प्यार दिखाएं और बने रहें आप क्रिकेट टिप्स मैच प्रेडिक्शन के साथ। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द, देन टेक केयर, गुड बाय।